राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। बहुत देर हो गई, मैं बाहर ही घूम रही हूँ और ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया, लेकिन फिर भी रोज़ से थोड़ा ज़्यादा हो गया। 7 बजे हो गए और मेरी शक्ल पे बिल्कुल मजा आएगा अभी, क्योंकि जैसे उठी हूँ बस एज इट इज़ है। और बाकी फ्रेश फ्रेश हो ली हूँ, थायराइड की दवाई मैंने ले ली है। तो अभी पोछा नहीं लगा है, पानी भरा है, तो जब सर हर में पानी पानी हो जाता है वो हो रहा है। और बच्चे नीचे कर रहे हैं बाइक और गाड़ी साफ। ओए ओए ओए, चोट ना खा ले भाई। बंदर बंजर बंदर या बंजर 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 या एक बंदर छोटा हाथी बंदर। यो बाबू, यो क्या पड़ा है, इसे रगड़ दे थोड़ा सनरूफ पे। बन जाए बन जाए छोटा हाथी बन जाए। और यहाँ देखो कमरे में कितनी अच्छी धूप आ रही है, मैं ना पैरों पर विटामिन डी ले रही हूँ। दरवाजे खोले हुए, बाहर छत पर धूप नहीं है जबकि वहाँ पर छाए अभी ऊपर है ना सूरज इसलिए। और ये इधर देखो, कई दिन मतलब 2 दिन हो गए धुले हुए कपड़े स्टैंड पे टांग रहे थे, हालत में मैं नहीं कर रही हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, बट अब वहाँ से मैंने हटा दिया है, क्लीन लगता है, तो फटाफट इनको करते हैं। चलो तो इधर मैं लेकर के आई तुलसा जी के पत्ते, कुछ श्यामा तुलसा जी के हैं और कुछ रामा तुलसा जी के। सुबह सुबह मैं बच्चों को ड्राई फ्रूट्स और दूध के साथ में ये भी देती हूँ। मौसम चेंज हो रहा है और इससे अच्छी औषधि नहीं है कुछ भी, मौसम के बदलते बिगड़ते जो भी उसके वो होते हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स उसके लिए। बाकी ये हाँ, जब ज़्यादा हो जाए तो दवाई लेनी पड़ती है बाकी, लेकिन बहुत अच्छा है ये। तो यहाँ पर सुबह का काम होने के बाद मतलब चाय पानी भी बच्चों को भी दे दिया है, दूध वूध। और देखिए कुछ लोग सोच सकते हैं कि दूध वूध इन दिनों में नहीं लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है ना, सुबह सुबह बच्चों को कुछ भी ना दो तो खाली दूध ही लेते हैं, दूध के साथ में तुलसा जी और वगैरह। तो यहाँ पर नहाने धोने के बाद पूजा करके मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ सब्जी रोटी खाना निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी बना ले रही हूँ और इधर मैंने तवा रख दिया है पराठे बनाने के लिए। तो खाना बना करके फिर मैं, बच्चे नहाना धोना कर रहे हैं अपना, तो मैं फटाफट बच्चों से निकलवा दूँगी। और जिस दिन बच्चे को बेटे को स्कूल जाना होता है तो सुबह में ज़्यादा जल्दी करना पड़ता है, और जिस दिन वो घर पर होता है थोड़ा थोड़ा समय आराम से कर लेती हूँ। जब जाना होता है उसको कहीं तो सुबह 7:30 बजे से पहले करना ही करना होता है, क्योंकि 7:20-7:25 पर वो निकल जाता है। तो यहाँ पर फटाफट से बस मेरा सारा काम हो गया है और अभी मैं खाना लगा करके दूंगी और बेटे से निकलवा दूंगी और बेटी गाय को खिला करके आ जाएगी। तो अभी मेरा जो खाना बनाने का काम था वो हो गया और तवा फिर से रख दिया है मैंने, वो मेरा हो गया। और ये मैंने बना रखे हैं सूखे आलू और ये मैंने बोला है बेसन। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ते में डोसा चीला।
एक बार फिर से इसी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, इसी चैनल में और इसी व्लॉग में। और दोपहर को काम निपटा था 12:30 बजे। आवाज़ मेरी थोड़ी वैसी ही हो रही है, सोई हुई नहीं हूँ। तब से बेटी अपने कमरे में पढ़ रही है, बेटा उधर पढ़ रहा है, मैं इधर अपना थोड़ा यूट्यूब से रिलेटेड कुछ काम कर रही थी। और अभी उठ के थोड़ा बाल बाल से सही किया तब मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ, वरना हालत हो रही थी बिल्कुल ख़राब। और ये डार्क स्पॉट्स जो थोड़े वो कम से हुए थे, पता नहीं क्या, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे, ये फिर ज़्यादा हो गए। और बाल देखो आज थोड़े अलग से बनाए हैं मैंने। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो आज मैंने ना लाइव किया और उसमें पहली बार इतने जन जुड़े मेरे साथ में, तो इस बात की खुशी भी हो रही है। होप मेरी बहुत जल्दी बन जाती है सच में। और अभी शाम का बज चुका है, 5:40 हो रहा है और मैं लगी हूँ अपने घर के कामों में। फ़ोन चार्जिंग में लगाया हुआ था बट अभी याद आया तो मैंने निकाल लिया। यहाँ पर इधर मैंने लगा दिया मशीन, अभी फर्स्ट होती है, बाकी तो फ्रीजर पड़े हुए हैं, बेडशीट वगैरह उतार ली है मैंने। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ तारी, बच्चों को खाने में खा रही। अभी बाहर रोशनी हो रखी है, हालांकि धूप के पीछे रोशनी है पर दिन बहुत जल्दी छिप जाता है। तो मैंने इधर सामान कटवट कर लिया, चावल भी धो लिया, कुकर चढ़ा दिया है। और क्योंकि सुबह में थोड़ा जल्दी खा लिया था, दोपहर में ऐसा कुछ खाया नहीं, तो बस ये दोपहर को शाम का रात का मतलब एक ही हो जाएगा। तो बस फटाफट में छुप लिया।